बीजेपी मंगलवार को कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए समाचार या राय के रूप में विज्ञापन दे रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मसले को लेकर निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि वह लोगों को राज्य में सत्ता में आने पर उसकी गारंटी का लाभ पाने के लिए मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देने के लिए कह रही है, जो कि भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेना है। प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी नेता अमित मालवीय और ओम पाठक भी शामिल थे। बीजेपी मंगलवार को कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए समाचार या राय के रूप में विज्ञापन दे रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मसले को लेकर निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि वह लोगों को राज्य में सत्ता में आने पर उसकी गारंटी का लाभ पाने के लिए मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देने के लिए कह रही है, जो कि भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेना है। प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी नेता अमित मालवीय और ओम पाठक भी शामिल थे।